नमस्कार जी, कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 29 मई और इस सप्ताह के ट्रेडिंग सेशन का अंतिम दिन और आपके लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज से जुड़े विश्वसनीय खबरों की। अफवाहें तो बहुत हो चुकी, जिसमें यह भी तलाशेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज क्या ओवर प्राइस हो गया है, आलोक इंडस्ट्रीज का एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अभी अभी लाइव मिंट में छपी खबरों के अनुसार RIL टर्न्स आलोक इंडस्ट्रीज फैसिलिटी टू PPE मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। प्रोडक्शन ऑफ PPE स्टार्टेड मिड अप्रैल एंड हैज बीन रैम्प्ड अप टू प्रोड्यूस मोर देन 1 लाख PPE पर डे नाउ। करेंटली इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 50 लाख PPEs, विच विल बी इंक्रीज टू 2 करोड़ बाय द एंड ऑफ द जून। अब इसको थोड़ा विस्तार से देख लें तो यहां दे रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विच एक्वायर्ड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर आलोक इंडस्ट्रीज लास्ट ईयर हैज रीडिप्लॉयड द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज ऑफ द कंपनी इन सिलवासा गुजरात टू एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल ट्रीटिंग COVID-19 पेशेंट्स। मतलब ये हो गया कि आलोक इंडस्ट्रीज को जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लिया है तो उसने स्पेशली इसको रीडिप्लॉयड किया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। हर तरीके से इसके मशीनों में चेंज की गई है, हर तरीके से इसके मैन पावर में चेंज किया गया है ताकि एक्सक्लूसिवली कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में PPE किट का निर्माण किया जा सके जो COVID-19 पेशेंट्स के लिए, इलाज करने वाले लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। RIL हैज री इंजीनियर्ड द प्लांट एंड प्रोसेस टू इनेबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PPE मटेरियल एंड हैज डिप्लॉयड फ्रेश टेक्निकल टेलरिंग रिसोर्सेज ऑफ नियरली 10,000 पीपल फॉर असेंबलिंग द PPE सूट्स, सेड एन ऑफिशियल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट। एक ऐसा ऑफिशियल जो इस सारे डेवलपमेंट से परिचित है, उसने बताया कि RIL ने पूरी री इंजीनियर्ड कर दी है उस प्लांट को और री इंजीनियर्ड प्लांट में नए टेक्निकल ट्रेडिंग के 10,000 लोगों को बहाल किया गया है जो PPE सूट्स के लिए स्पेशलिस्ट हैं, उनको बनाने, सिलने और उसकी डिजाइन करने के। प्रोडक्शन ऑफ PPE इज स्टार्टेड मिड अप्रैल एंड हैज बीन रैम्प्ड अप टू प्रोड्यूस मोर देन 1 लाख PPE पर डे नाउ। अब इसमें एक चीज ये डेवलपमेंट दे रहा है कि मिड अप्रैल से इसमें काम शुरू हुआ PPE किट के निर्माण का, लेकिन अब वो बढ़ करके 1 लाख PPE किट पर डे हो गया है। करेंटली इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 50 लाख PPEs, विच विल बी इंक्रीज्ड 2 करोड़ बाय द एंड ऑफ द जून। अभी तक जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है वो 50 लाख PPE किट का हो रहा है, लेकिन जून तक, जो अगला जून आ रहा है, उस जून तक 2 करोड़ PPE किट पर मंथ निर्माण करने का एक टारगेट रखा गया है। द फैसिलिटी एट सिलवासा इज मैन्युफैक्चरिंग PPE ओवरऑल सूट्स विच आर सिंगल प्राइस जिप अप सूट एंड गिव कंप्लीट ओवर प्रोटेक्शन, ओवरऑल हेम्स आर क्लोज्ड विद एंटी माइक्रोबियल टेप। मतलब जो आलोक इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है PPE किट की, उसकी सबसे खूबी ये है कि वो सिंगल जिप है और उसके ऊपर एक ऐसा माइक्रोबियल टेप लगाया गया है जिसकी वजह से वो फुल्ली प्रोटेक्टेड और फुल्ली क्लोज हो जाता है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है उसको समझ लें, जो हमारे इकोनॉमिकल और प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट से चीजें दी हुई हैं उसको अगर देख लें तो यहाँ दे रहा है कि रिलायंस इज सेलिंग द PPEs टू द गवर्नमेंट एट अराउंड 650 पर पीस। दिस इज सिग्निफिकेंट ड्रॉप फ्रॉम द नियरली 2000 पर पीस इम्पोर्ट कॉस्ट दैट नेशन वाज इनकरिंग अर्लियर। अब यह बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि भारत को इस PPE किट को बाहर से इम्पोर्ट करने में, खास करके चाइना से इम्पोर्ट करने में, लगभग 2000 रुपए दिए जाते थे। वो भी उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की PPE किट आलोक इंडस्ट्रीज मात्र 650 रुपए में सेल कर रहा है भारत सरकार को। और इसको जो निर्माण किया जा रहा है वो ISO और BIS स्टैंडर्ड के एक्सेप्टेबल लेवल के अनुसार तैयार किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही आलोक इंडस्ट्री से जुड़ी विश्वसनीय खबरें, क्योंकि अभी तक जो अफवाह उड़ रहा था कि आलोक इंडस्ट्रीज करती क्या है, आलोक इंडस्ट्रीज का कारोबार क्या है, आखिर आलोक इंडस्ट्रीज की प्राइस इतनी क्यों बढ़ रही है, तो इन सारी चीजों का ये एक किस्म से उत्तर समझिए या एक किस्म से ऑथेंटिकेशन समझिए। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इससे जुड़े न्यूज की बातें। अब आलोक इंडस्ट्रीज के आज के प्राइस के मूवमेंट
और आगे के प्राइस के मोमेंट और इसके आगे के प्राइस के टारगेट के ऊपर जब बात करेंगे तो पहले आज के रिटर्न की स्थिति को देख लेते हैं। तो आज के रिटर्न जब हम देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि 4.74% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ ये आज अपर सर्किट लगाया, और उसके बाद अगर एक वीक की बात करें तो 20.78% और एक महीने की बात करें तो 163.28% और एक साल की बात करें तो लगभग 332% इसने अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है। अब इसके पीयर कंपनियों की बात कर लें तो वही बात निकल के आएगी कि आखिर इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, क्या ये ओवर प्राइस हो गया, क्या इसकी प्राइस और बढ़नी चाहिए, या इसकी जो साल की उच्चतम सीमा है ₹19 वही इसका लास्ट हाई प्राइस होगा। तो इन सारी शंकाओं को मैंने तलाशने और टटोलने की कोशिश की तो वो चीज यहां आकर के निकल रहा है कि सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इसकी पीई रेशियो है 1.11, जबकि कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई एक छोटा से छोटा कंपनी भी नहीं है जिसकी इतनी कम पीई रेशियो है। सेक्टोरल पी 39.20 बता रहे हैं कि इससे कम से कम 30-30 गुना अधिक रेट पर और अन्य कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं। अब इसके पीयर कंपनियों के साथ अगर तुलना की जाए तो SRF 17.97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है एक साल के अंदर, और इसकी प्राइस है आज की तारीख में लगभग ₹2,467। और वर्धमान टेक्सटाइल की बात करें तो इसने अपने निवेशकों को बहुत अधिक निराश किया है और इसने लगभग 42% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और फिर भी इसकी प्राइस है ₹601.05। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखने में क्या आ रहा है, एक तरफ तो कहीं ₹17, ₹18, ₹20 का शेयर, और इसके जो पीयर कंपनियां जो बहुत बड़ा नुकसान दे रही हैं वो भी ₹600 पर चल रही हैं। अब इसके बाद और कंपनियों की बात कर लें, गरवारे टेक्निकल की स्थिति को देख लें तो गरवारे टेक्निकल 20% का मुनाफा दिया है एक साल के अंदर, इसकी प्राइस ₹885 है। KPR मिल की बात कर लें तो KPR मिल भी लगभग अपने निवेशकों का पैसा 33% डाउन कर दिया है, लेकिन इसकी प्राइस ₹312.35 है। फ्रेंड्स वेल स्पून की बात कर लें तो वेल स्पून ने लगभग अपने निवेशकों का पैसा आधा कर दिया है, फिर भी इसकी प्राइस ₹18.45 है, और इसके 52 वीक की जो हाई है वो ₹59.40 है। अब मैं केवल आपसे जानना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं, आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं कि चलिए इसमें से कोई 3200 का है, कोई 2400 का है, कोई ₹320 का है, लेकिन जो सबसे कम कीमत की कंपनी वेल स्पून इंडिया जिसने अपने निवेशकों की पूंजी को 50% कर डाला, उसके भी अगर 52 वीक की हाई को कैलकुलेट करते हैं तो 59 से ₹60 के आसपास निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब आप खुद समझिए कि इस शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए। कम से कम ₹100 जो बोल रहे हैं वो अपने अनुमान से बोल सकते हो, लेकिन मेरे पास जो सामने डाटा है इसके आधार पर कम से कम इसकी प्राइस ₹60 तो होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आलोक इंडस्ट्रीज का संपूर्ण विश्लेषण, और आलोक इंडस्ट्रीज के आने वाले समय में प्राइस का एक्चुअल आकलन और उसके आकलन का आधार, और ये थी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी स्टडी अपना रिसर्च करें और उसके बाद ही कोई निवेश संबंधी निर्णय लें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।